क्वेश्चन नंबर छह, इसने कहा आपको करनी है जनलैंड की करनी है, क्यों जनलैंड ने पूछा है तो ज्यादा आपको नहीं पूछेगा नहीं, तो सिंपल देखो कौन एंट्री सबसे पहले एंट्री दे रही है आपके पेटर की एंट्री होगी नहीं, फिर बैलेंस शीट में जाएगा पीएल की एंट्री होगी, वो वहां लेता है पार्ट कैपिटल में बाई में, तो वो ए और डी कहाँ आएंगे आपके टू में, तो यहाँ लिखेंगे हम पी एंड एल अकाउंट डी आर टू, ए में भी बांट देंगे और टू बी में भी बांट देंगे, कितना है 10,000 रुपये दे रखा है, अब 3 × 2 है तो कितना आ जाएगा 6,000 4,000, दो सफाइट इसकी एंट्री होगी नहीं, कैश की एंट्री होगी नहीं, प्रोविजन की इनकी एंट्री होती नहीं बैलेंस शीट, अच्छा गुडविल है लास्ट में, जैसे इसको हमने क्या कहा था डी आर बंद करने के लिए, इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे इसको सी आर करेंगे, तो आ जाएगा टू गुडविल और सामने आ जाएंगे ए कैपिटल अकाउंट डी आर और बी कैपिटल अकाउंट डी आर, नए अनुपात दिया हुआ नहीं तो पुराना अनुपात ही मार, कितना 20,000 दे रखा है दोनों मार दो, कितना है आपके 3 × 2 है तो मतलब के 3 × 5 = 4 बार जाएगा, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8,000, यहां से मान कंप्लीट, अब यहां से नया आया है कौन है सी का प्रवेश हुआ है और कितने रुपए लाया वो 60,000 कैश में लाया, तो क्या आ जाएगा आपके कैश अकाउंट डी आर टू सी कैपिटल और साथ में क्या लिखा है एक गुडविल भी लिखा है दोनों चीजें, अब कैश तो लाया वो 60,000, गुडविल कितना लाया ये दिया हुआ नहीं तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, लाया तो कैश में ही है लेकिन कितना लाया है पहले तो इतने का कैश में लाया, इसके जितनी आएगी वो लेकर है, अब गुडविल यहाँ है कितनी आपकी देखो औसत लाभ का 3 गुना, तो पहले गुडविल अलग से वर्किंग नोट में ज्ञात करेंगे, गुडविल कितना है औसत लाभ का 3 गुना, तो पहले औसत लाभ ज्ञात कर लो, औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं सबको जोड़ो तीनों लाभों को 40,000, फिर है आपके माइनस कितना लॉस हो गया 10,000 प्लस कितना 60,000 / 3, 40,000 का और 60,000 का लाभ है 10,000 लॉस है घटा दिए, ये हो गया आपके 90,000, 90,000 / 3 कितना हो गया आपके 30,000, तो बताओ गुडविल कितनी हो गई आपके औसत लाभ का 3 गुना 30,000 का 3 गुना ये कितना होता है 90,000, अब 90,000 में इसका हिस्सा कितना है इसका हिस्सा 1/3 है, हम क्या करेंगे क्या नाम है इसका शीश का हिस्सा गुडविल में कितना हो जाएगा 90,000 का 1/3 कितना होता है 30,000 रुपए जो वो लेके आएगा, यहां देंगे हम 30,000 रुपए लेके आएगा, 60 और 30 कितना हो गया टोटली आपके यहां पर 90,000, अब लेके आया है तो जो गुडविल लेके आया तो वापस क्या करेगा त्याग के अनुपात में बांटनी पड़ेगी, जिसने जिसने त्याग किया अब लिखा हुआ है कितने कितना त्याग किया तो दोनों में पुराने अनुपात में बांट दो, क्यों पुराना अनुपात क्या कहलाएगा आपके त्याग का अनुपात वही कहलाता है, नया अनुपात सब वही होता है, अगर कुछ भी सवाल में दिया हुआ नहीं हो तो ए में बांट दो और बी में बांट दो, 30,000 रुपए दोनों बांट दो 5 × 5 = 6 बार और 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12,000, ये एंट्री करते ही आपको हताहत अगली एंट्री भी करनी पड़ती है हमारी बांटने की, अब इसने कहा अगला पॉइंट गुडविल की आधी राशि निकाल ली, आधी राशि निकाल ली तो कितना आएगा आपके कैश गया किसके पास गया ए के पास गया बी के पास गया और टू कैश ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू केस कितना हो जाएगा 18,000 18 9,000 फिर 6,000 यहाँ कितने आ जाएंगे आपके 15,000, ये भी कर ली प्रोविजन आपको 3,000 तक घटाया जाए, पहले कितना था प्रोविजन 5,000 था अब कितना करना है 3 करना है, मतलब 2 का क्या हो गया आपको फायदा, अगर आप रिवर्जन बनाते बनाया नहीं बनाते तो किधर आता ये फायदा किधर आता, यहाँ 5 है इसकी जगह 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे आपके 60 में से 3 थे पीछे कितने बच जाएंगे 57 2,000 का फायदा होगा आपको, तो यहाँ आएगा प्रोविजन, तो ये बाई में देखिस में आएगा 2 में तो प्रोविजन आएगा बाई में ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो क्या आ जाएगा आपके रिवैल्यूएशन कितना 2,000 का फायदा यहाँ भी 2,000 खाते मत खाते में से लिखते
फिर है आपके स्टॉक 22,000 और 21,000। स्टॉक यहाँ कितना है 30, तो हो गया 22, 8 जाएगी कमी तो 2 आएगा यहाँ पर, 2 स्टॉक। फिर है आपके फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ 25 या 21, तो यहाँ आएगा आपके 2 फंड, दोनों 2 में ही। तो क्या लिखे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, 2 स्टॉक और 2 क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर। कितना है देखो, 8,000 तो इसमें कमी है और 4 इसमें कमी है, तो 8 तो इसमें कमी है और 4 इसमें कमी है, टोटल कमी कितनी हो गई आपके 12,000 की, 30 में से 22 गए 8,000, 25 में आपके 4,000। अब रिवैल्यूएशन का नियम है, जितने से डीआर उतने से बराबर क्या करो, सीआर करो। तो ये क्योंकि खाता दोनों तरफ क्या करना पड़ता है आपको, बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ तो भाई 12,000 तो डीआर है और सीआर में कितने हैं, 2,000 है, सीआर 2 ही है और करो सीआर 2, तो यहाँ 12,000 है तो सीआर में कितने होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। अब 12 में से 2 तो यहाँ हो गए, पीछे कितने बचे, 10,000 या जोड़ मिला लो, ये आपके हो रही है 12,000, ये हो रही है 2,000, कितने कम पड़ रहे हैं इधर, 10,000। वो कहाँ भेजेंगे, ए में और बी के खाते में, ए अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर। अब कितना है, 6,000 और 4,000, ये तो कंप्लीट हो गया, सारे कंप्लीट, और कोई एंट्री थे नहीं, और कौन सी एंट्री, कंप्लीट है उनका।